एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइड। मैं हूं अपूर्वा। कैसे हैं आप सब? सो आज का मेरा वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपना होम टूर वीडियो बनाऊं। सो आज का मेरा वीडियो मेरा होम टूर वीडियो है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले आता है मेरा ये हॉल। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैंने इन्वर्टर रख रखा है और ये मेरा वो स्मॉल ड्रीम कैचर है जो मैंने अपने एक वीडियो में बनाया था। और ये की होल्डर्स मैंने लगा रखे हैं जो कि मैंने अमेजोन से लिए थे। फिर डोर के दूसरे साइड मैंने ये शू रैक रख रखी है जिसके ऊपर वह सैनिटाइज़र वगैरह है, लैम्प है, थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है। और ये बॉटल लैम्प मैंने बनाया है खुद से। फिर मैंने अपने सोफे रख रखे हैं, सेंटर टेबल रख रखा है और इस साइड एक विंडो है। और ये वही प्लेस है जहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियो शूट करती हूँ। और इधर मैंने अपनी और नवी की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। इस कॉर्नर पे मेरा एक प्लांट था जो कि सूख गया है इस टाइम, तो वो हटा हुआ है। सो इस वॉल पे मैंने अपनी रिंग लाइट रखी हुई है, टीवी रखा हुआ है और उधर मैंने अपनी फ्रिज रख रखी है। और इस वॉल पे मैंने बस एक वॉल क्लॉक लगा रखी है। सो यहाँ फ्रिज पे मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट लगा रखे हैं। ये सारे मैग्नेट्स हम लोगों ने उस जगह से ख़रीदा है जहाँ जहाँ हम लोगों ने साथ में ट्रिप किया हुआ है, मैंने और नवी ने। हॉल से जब जाते हैं आगे तो यहाँ पे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रख रखी है। ये मेरा एक बाथरूम है। फिर आता है फर्स्ट रूम, मेरा पूजा रूम है, स्टडी है और एक गेस्ट रूम भी है। तो ये नवी का वर्क प्लेस है और इस दीवार पे मैंने ये वॉल आर्ट बना रखा है। ये मैंने पिस्ता सेल से बनाया हुआ है और वाटर कलर से। फिर उसके बाद आता है ये मेरा मंदिर है। फिर मंदिर के बगल में एक विंडो मेरी ये है और यहाँ पे एक छोटा सा सिंगल बेड रख रखा है। और ये एक स्टोरेज स्टूल है जो साइड टेबल की तरह यूज़ होता है, स्टूल की तरह यूज़ होता है। और इसके अंदर मैंने अपना सारा वीडियो का सामान रख रखा है। फिर यहाँ पे एक विंडो आती है, ये विंडो बड़ी है। और ये कबर्ड मेरी कबर्ड है, पूरा मेरा सामान है इसमें। इस रूम में ये ऊपर लॉफ्ट भी है तो हमारा काफ़ी सामान इसमें आ जाता है। और इस कॉर्नर पे मैंने अपना लॉन्ड्री बैग रख रखा है। अब इस रूम से निकलते हैं तो यहाँ पे मैंने एक कर्टन लगा रखा है, फ्रिज में कभी कभी नोट्स लगा लेते हैं। फिर इस पैसेज एरिया पे मैंने ये वॉल स्टिकर्स लगाए हैं और मेरी और नवी की फ़ोटोज़ लगा रखी है। ये लाइट जलती भी है, कभी कभी मैं शाम को जलाती हूँ, अच्छा लगता है। सो इसके बगल में एक रूम आता है, ये है मेरा बेडरूम। और यहाँ पे मैंने वॉल स्टिकर लगा रखा है, मेरा ड्रीम कैचर एक लगा रखा है। और इस एरिया में मैंने बहुत शूट किया हुआ है, आपने देखा होगा कई वीडियोज़ में। एक साइड टेबल मैंने यहाँ लगा रखी है, ये नवी का कबर्ड है। इस रूम में भी लॉफ्ट है जो कि स्टोरेज के लिए बहुत सही है। और यहाँ पर भी एक विंडो है, ये भी एक वॉल स्टिकर मैंने लगा रखा है। और ये भी मेरा एक ड्रीम कैचर है जो मैंने एक वीडियो में बनाया था। इसके नीचे आता है मेरा वर्क प्लेस जो कि मूवेबल है और मेरा जहाँ भी मन होता है मैं वहाँ उसको लेके बैठ जाती हूँ। फिर आता है एक और बाथरूम। मैंने ये स्टोरेज रैक रखी हुई है जो कि मैंने अपने वीडियो में दिखाया था। और ये हूँ मैं। अब इस रूम से बाहर निकल के आता है मेरा किचन। किचन में ही ये यूटिलिटी दी हुई है और यही हमारी बालकनी भी है, हम लोग इसे बालकनी की तरह ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, ये मेरा गिलोय है और ये है मेरी बालकनी का व्यू। इसमें ये पिलर है, इसकी वजह से हम लोग इसको ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल, ये था मेरा 2 BHK रेंटेड अपार्टमेंट बैंगलोर का और इसे मैंने बिल्कुल अपने घर की तरह सजाया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।
और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।